हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैंकर्स एडवाइज। फ्रेंड्स, मैं टाइम टू टाइम बैंक्स और फाइनेंस रिलेटेड सारी जानकारी आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस बेल आइकन भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, खासकर आप दिल्ली में रहते हैं और अगर आपको राशन कार्ड अप्लाई करना है और प्रीवियसली अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो किस तरह दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक टेम्प्रेरी राशन कार्ड के लिए हमारे पास ऑप्शन रखा है कि आप एक अपना एक टेम्प्रेरी राशन कार्ड मंगा सकते हो, ताकि अभी जो भी फैसिलिटी मिल रही है कोरोना वायरस के टाइम में, वो आप सारा कुछ अभी आप अवेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहें और मैं आपको A to Z पूरी प्रोसेस बताऊँगा कैसे आपको सारा कुछ अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम या फ़ोन पे गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र खोलना है। उस पर आपको दिल्ली गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको खोलना है। आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल रहा हूँ मैं। आपको नॉर्मली दिल्ली गवर्नमेंट टाइप कर देना है। आप देख रहे हो, जैसे ही आप दिल्ली गवर्नमेंट की साइट खोलते हो तो आपको ये ऑफिशियली साइट मिलती है। आपको उस पर क्लिक करना है। आप देखो, ये दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट खुल गया है, delhi.gov.in। इस पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर टेम्प्रेरी राशन कूपन। फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली में अभी रह रहे हो और आपके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर आपको सारी फैसिलिटी लेनी है अगेन, तो इसके लिए ये आपको टेम्प्रेरी राशन कार्ड राशन कूपन मिलेगा आपको। इसके थ्रू आप जो भी फैसिलिटी अवेल होती है राशन कार्ड होल्डर्स के लिए, जो इंग्रेडिएंट्स मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, वो सारा कुछ आपको इसमें सप्लाई कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको उस पर अप्लाई फॉर टेम्प्रेरी राशन कार्ड पर अप्लाई करना है। आपने जैसे यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश में भी ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आगे बढ़ने के लिए क्लिक करें, आपको यहाँ दिख रहा है क्लिक करना है। आपने जहाँ इस पर क्लिक किया तो इस पर आपको मोबाइल नंबर का आपको ऑप्शन आ गया। इस पर आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर इंटर ऑप्शन करना है। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर किया। आप देख रहे हो कि जस्ट आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, जिस तरह से मेरे फ़ोन पे OTP आया है। मैंने अपना OTP एंटर कर दिया, सबमिट हो गया। एक्चुअली देखो, यहाँ पे आ रहा है नो एप्लीकेशन फाउंड। मेरा ऑलरेडी ये रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने अप्लाई कर रखा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे साफ ऑप्शन आ रहा है आवेदन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें, सबमिट न्यू एप्लीकेशन। फ्रेंड, आप देख रहे हो कि यहाँ पे राशन कार्ड के लिए आपका जो है पूरा फॉर्म खुल गया है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका राशन कार्ड ज़रूरी नहीं है। अगर आपके फैमिली का जो मुखिया है, जो मेन है आपके फैमिली में, जैसे आपके फादर है, तो उनका राशन कार्ड से, उनका आधार कार्ड से हो जाएगा। आपके आधार कार्ड की डिटेल लगेगी, पर यहाँ पे वो आधार कार्ड की ज़रूरी नहीं है, मेंटेन नहीं है कि आपको देना ही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हेड ऑफ़ द फैमिली जो है शुड बी लेडी ऑफ द हाउस। ये देखो, शुड बी लेडी ऑफ द हाउस, सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक किया। यहाँ पे आपको लेडी जो है वही होगा आपका, शुड बी लेडी ऑफ द हाउस, जैसे कि यहाँ पे आपका रहा। एज डालना है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ सिलेक्ट करना है फीमेल। आधार कार्ड नंबर उनका डालना है। वोटर आई डी कार्ड ये ऑप्शन में है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको अदर फैमिली मेम्बर्स की डिटेल डालनी है, जो भी आपके फैमिली में हैं, जैसे कि जो भी सदस्य हैं उनकी डिटेल आपको वन बाय वन डालनी है। ये फर्स्ट कॉलम देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में आपका जो भी है किसी एक मेम्बर का आपने डालना है। उसके बाद उनका एज डालना है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मुकेश कुमार डाला है। एज यहाँ पे मैं उनकी डालता हूँ 23 ईयर्स। एक्चुअली फ्रेंड, मेरे पास दिल्ली का कोई आधार कार्ड या कुछ नहीं है ताकि मैं आपको अप्लाई करके बता सकूँ, इसलिए मैं एज ए डेमो आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ये आपको ही करना है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया आधार कार्ड, आधार कार्ड आ गया। ये क्या है, इनके डॉटर है या सन है, मैंने सन पे क्लिक कर दिया। इसी प्रकार आप जो है यहाँ पे सेकंड मेंबर दिए, सेकंड हो गया या थर्ड मेंबर हो गया।
हमने एग्जांपल यहाँ पे भी दूसरा कर दिया एक बार। आपने यहाँ पे जैसे सबमिट किया, यहाँ पे आपका सारा कुछ डिटेल मांगा जाएगा, जो बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर है उनको आपको डालना है, जिन पे सभी जानकारी ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ई कूपन सेल बी सेंड टू दिस मोबाइल नंबर। सो मेक श्योर द करेक्ट मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी इज एडेड हियर। जो भी सारी जानकारी है, जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उनके रिगार्डिंग, जो भी सारा कुछ आपका वो फैसिलिटी है, वो आपको इस नंबर पे अवेल कराया जाएगा। सो अपना आप नंबर, अपना जो नंबर है वो करेक्ट डालना। इसके बाद आपको विधानसभा करेक्ट डालना है यहाँ पे जो आपका आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया द्वारका। इसके बाद आपको अपना हाउस नंबर डालना है, अपना जो भी है हाउस नंबर या झुग्गी नंबर जहाँ पे रहते हो, गली मोहल्ला का आपका नंबर सही सही डालना है जो भी आपका है। इसके बाद आपका जो एरिया है, क्षेत्र है, लोकेलिटी है, कहाँ का है ये, वो आपको इसे सेलेक्ट करना है। इसमें सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको फाइनली अपना पिन कोड एंटर करना है, जो आपका पिन कोड होगा, जैसे मेरा पिन कोड है 110059, उसी तरह आपका जो पिन कोड होगा वो आपको इस पर सेलेक्ट करके एंटर करना है। इसके बाद आपको, आप यहाँ पे देख रहे हो कि सारा जो स्टेटमेंट्स है नीचे लिखा हुआ है कि मेरे पास ये आपको एक बार फ्रेंड पढ़ लेना है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। इसमें आप जो है कंसर्न करते हो कि मेरे परिवार के पास बजाज राशन कार्ड करने के लिए संसाधन नहीं है, ये अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अगर आप अवेलेबिलिटी नहीं है आपका कुछ खरीदने के लिए, तो ही आप ये राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हो, ये दिल्ली गवर्नमेंट आपसे एज ए स्टेटमेंट ले रही है। और इसमें सेकंड है कि मेरे पास पहले से राशन कार्ड नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी राशन कार्ड है तो प्लीज़ फ्रेंड अभी राशन कार्ड दोबारा अप्लाई मत करो आप, ये रिजेक्ट भी हो जाएगा और एक तरह से ये इलीगल है। तो ये सारा स्टेटमेंट आपको वन बाय वन पढ़ना है, काफ़ी थोड़ा नॉर्मल से। मेरे घर में 2 किलोवाट से ज़्यादा का बिजली कनेक्शन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपको एट लास्ट यहाँ पे टिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे आगे बढ़ो पे। क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डाली है, लेकिन आप जैसे ही अपनी डिटेल्स डालते हो तो यहाँ पे आपका एक जो है रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाता है कि हाँ आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। चूँकि मेरे पास है नहीं यहाँ का दिल्ली का आधार कार्ड या कुछ इसके लिए रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, तो मैं करके नहीं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, लेकिन आपको एट लास्ट जो है लास्ट स्टेप यही है। इसके बाद आप कुछ इसमें अप्लाई या कुछ और आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ये लास्ट है। आप जैसे प्रोसीड करते हो आपको एक रिक्वेस्ट नंबर आ जाता है। तो फ्रेंड नॉर्मल सा एक वीडियो था जो काफ़ी जो डिमांडेबल था आज के समय में, तो मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और कुछ भी अगर आपको डाउट्स होता है इसके रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं सब सारे कमेंट्स का आपका जवाब दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।